20 लाख करोड़ का अनाउंस किया है, पैकेज अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके अलावा दोस्तों लॉकडाउन 4 की भी बात की है कि लॉकडाउन 4 भी स्टार्ट होने वाला है, तो 18 मई से पहले पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें बताया गया कि जो लॉकडाउन 4 होगा इसको काफ़ी कुछ छूट दी जाएंगी, इसमें काफ़ी नई शर्तें होंगी, नए नियम होंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट के सीएम्स के साथ मीटिंग करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि अलग अलग जो इनपुट मिलेगा अलग अलग राज्यों से उस हिसाब से ये लॉकडाउन लागू किया जाएगा। पर दोस्तों यहां पे सबसे अहम बात जो है वो है 20 लाख करोड़ के पैकेज की। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है, कहां कहां पे इन्वेस्ट होगा, कैसे कैसे होगा। हालांकि इसके लिए मोदी जी ने बोला है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, वो बताएंगी, वो कल से चरणबद्ध तरीके से बताना शुरू कर देंगे कि कहां कहां पे उसका इन्वेस्ट किया जाएगा। बट अपने हिसाब से अपनी जो ये छोटा सा जो भाषण इन्होंने दिया था इसमें इन्होंने बताया है, इस स्पीच में देश को संबोधित करते हुए इन्होंने बताया है कि ये कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। बहुत सारे उन्होंने नाम गिनाए थे, छोटे मोटे उद्योग, कुटीर उद्योग जिन्हें बोलते हैं, मध्यम वर्गीय उद्योग, और भी काफ़ी MNCs उनमें भी, और मतलब हर क्षेत्र में ये जो पैसा है इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों आज की स्पीच में बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई मोदी जी ने, बहुत पॉइंट आउट करने वाली बातें बताई हैं। तो एक जो अहम बात जो मुझे लगी वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि कुछ कंपनियां, इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो हम लोग इसी पे फोकस कर रहे थे कि सैलरी नहीं मिल पा रही थी, मार्च और अप्रैल की सैलरी नहीं दे रही थी कंपनियां, और बोल रही थी कि हम आगे भी शायद ना दे पाए। क्यों? क्योंकि हमें कोई पैकेज नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट कोई पैकेज नहीं अनाउंस कर रही है। बट अभी आज पैकेज अनाउंस हो चुका है, तो उम्मीद कीजिए कि शायद अब सैलरी की दिक्कत ना आए, अब कंपनियां सैलरी दें, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ये छोटे मोटे उद्योग और जो बड़े उद्योग हैं उनके लिए, और जो मध्यम वर्गीय उद्योग हैं उनके लिए भी ये पैकेज है। कहां कहां पे कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है वो हमें वित्त मंत्री बताएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा खास खास बात क्या थी, मोदी जी ने आज फोकस किया है कि कंट्री को बनाना है आत्मनिर्भर, भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर वाली बात क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने फोकस किया था लोकल प्रोडक्ट पे, लोकल प्रोडक्ट मतलब लोकल ब्रांड, कपड़े आप पहनते हैं या जो भी सामान हम यूज करते हैं उस लोकल ब्रांड की बात की थी। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग दिखावे के पीछे भागते हैं, हम लोग जो हमने जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की जो एक झूठी वो बना रखी है, हम उसी के पीछे भाग रहे होते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि आप जो आपके लोकल प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करें, उनका प्रचार करें और उन पर गर्व करें, ताकि जो हमारी मनी है, जो करेंसी है, वो इंडिया में ही रहे, ना कि बाहर कंट्रीज में जाए। ठीक है दोस्तों, लोकल प्रोडक्ट की बात होगी, इससे ये होगा कि जो हमारे जो कंट्री में जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा होगी और देश का पैसा देश में रहेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो आत्मनिर्भरता की बात की है वो यही बात है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और जो इन्होंने बोला था मेक इन इंडिया की बात की है, जो मुझे लगा मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मेक इन इंडिया का दोस्तों आपको पता होगा कि कोरोना के चक्कर में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, US, जापान वगैरह, जिन्होंने चाइना में अपनी कंपनियों से बोला है कि आप यहाँ से वॉकआउट करो, आप चाइना से निकलो, या तो आप अपने वापस अपनी कंट्री में आके बिजनेस करो या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस करो। ठीक है दोस्तों, तो अब वहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ निकल रही हैं, और कंपनियाँ निकलने के बाद एक अच्छी कंट्री देखती है जहाँ पे वो आसानी से बिजनेस कर सके, जहाँ पे उनको प्रॉफिट हो। तो ऐसे में दोस्तों कंट्रीज जो जा रही हैं, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इधर उधर जा रही हैं, इंडिया में कम आ रही थी। तो इसका रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि जो सुविधाएं होती हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और यातायात की सुविधा होती है, कनेक्टिविटी होती है, और जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना एजुकेटेड है वो होता है, और बहुत सारी फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर अच्छी होंगी वहाँ पर कंपनी आएंगी, वहां पे मेक इन इंडिया का जो सपना है वो तभी साकार हो पाएगा जब इन चीजों पे काम किया जाएगा। तो अगर आपने आज का भाषण सुना है तो आपने उसमें देखा होगा कि 5 चीजों पे इन्होंने बताया था आत्मनिर्भर होने के लिए, अर्थव्यवस्था तभी फोकस होगी जब लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट आएगी, दूसरे देश वो यहां के बिजनेस करेंगे, यहां पे मेक इन इंडिया में काम करेंगे। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें बताई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, और जो लेबर है लेबरों पर फोकस करना होगा, उन पर इन्वेस्ट करना होगा। तो आज की अगर आप देखें, आपकी आज की स्पीच देखें मोदी जी की, तो इसमें आप पाएंगे कि इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस किया हुआ है इन्होंने, कि जो पैसा है वो यहाँ लगाया जाएगा, मजदूरों पे लगाया जाएगा, मध्यम वर्गीय बिजनेसेस पे लगाया जाएगा, कुटीर उद्योगों पे लगाया जाएगा, किसानों पे लगाया जाएगा, कृषि पे लगाया जाएगा, कृषि प्रधान है हम लोग तो कृषि पे ये पैसा लगाया जाएगा।
तो मतलब अभी तक जो पिक्चर समझ में आ रही वो यही है जितना मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों वित्त मंत्री सीतारमण जी का देखेंगे कल से, वो चरणबद्ध तरीके से बताने स्टार्ट करेंगी, तो आप प्लीज जुड़े रहिए मेरे चैनल से, मैं अपडेट आपको लेके देता रहूंगा। ये हम जैसे कर्मचारियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो चिंता शायद आज के बाद चिंता थोड़ी कम होगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी है और अभी के लिए भी है। अगर ये पैकेज अगर कंपनियों को मिलता है तो वो इसको इन्वेस्ट कर पाएंगी, अपने श्रमिकों को, अपने मजदूरों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को सैलरी दे पाएंगी। और क्वालिटी वर्क की बात की है, अब क्वालिटी वर्क इम्प्रूव करना होगा ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बने और इंटरनेशनली एक छवि मजबूत हो हमारे देश की। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे, लेके आऊँगा मैं फिर से अपडेट। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।